मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये रूम हीटर है, ये रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ये कोई भी वर्क नहीं। चलिए इसमें लाइन दे रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड से हम इसमें लाइन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लाइट आ गया है, यहाँ पे लाइट आ गया है और ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देख रहे हैं इसको ओपन कर लिए हैं, तो इसमें देख लेते हैं कहाँ फॉल्ट है, कहाँ दिक्कत है। तो सबसे पहले हमको तो चेक करना होगा, एलिमेंट चेक करना होगा, एलिमेंट सही है नहीं या नहीं है। चलिए एलिमेंट हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, टेस्ट सीरीज से भी इसको चेक कर सकते हैं। हमने मल्टीमीटर ले लिए हैं, ये देखिए मल्टीमीटर ले लिए हैं। मल्टीमीटर को बजर रेंज पे सेट कर लेते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी मोड पर। अब इसको चेक कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चेक करना होता है। यहाँ से देखिए यहाँ पे आ रहा है वायर, यहाँ से यहाँ तक गया है, गया हुआ है, और यहाँ से एक यहाँ तक गया हुआ है, और एक यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई में गया है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को देखिए यहाँ पे रख लेते हैं, मल्टीमीटर तो ये रीडिंग बता रहा है, और कंटिन्यूटी मोड पर सेट है तो कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा रीडिंग सही है। और यहाँ से यहाँ तक रीडिंग चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक संपर्क इसका टूट गया है, यही कारण से ये जो है वर्क नहीं कर रहा है। चलिए पीछे साइड भी इसका दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थर्मिस्टर लगा होता है, यहाँ पे देखिए थर्मिस्टर जैसा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लगा हुआ है, यही जो ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये देख सकते हैं थर्मिस्टर, यहाँ पे भी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, यही रेजिस्टेंस के थर्मोस्टर जो होता है यही वर्क नहीं कर रहा है, तो ये फैन जो है वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इसी की वजह से ये फैन जो है वर्क करता है, ये ज़्यादा गर्म होता है तो ये फैन जो इसको हीटर का काम करता है, यानी कि ठंडा कूलिंग का काम करता है, ठंडाता है। ज़्यादा कितना देना है हमको गर्मी, इसमें सारा सिस्टम इसमें सेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखिए टूट गया है सप्लाई, तो इसको हमको कुछ नहीं करना होगा, बस एक छोटा सा वायर लेना होगा। एक वायर ले लेते हैं, वायर ले करके इसको आपस में यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। चलिए इस तरह से हम जोड़ लेते हैं, और इसमें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर यही बीमारी होता है। अब ये तो यहाँ पे यहाँ तक काम करेगा, देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक काम कर रहा है। अब ये बिल्कुल तरह से ओके हो गया है। चलिए इसको हम इसमें लाइन दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, देखिए इसमें सप्लाई दे रहे हैं, देखिए वर्क कर रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, देख लीजिए वर्क कर रहा है। ये हीटर जो है बिल्कुल तरह से बन करके रेडी हो गया है, देख सकते हैं इसको लगा उगाती हैं। अब इसको चालू करके दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ स्विच है, फैन चालू हो गया है, देख रहे हैं यहाँ से, देखिए धापेकना जो है चालू हो गया है। देखिए इसको और दे रहे हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं, देखिए कॉइल जो है धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, धाप फेंक रहा है, देख सकते हैं पूरा तरह से हीट हो गया है। देखिए इसको कम कर रहे हैं, यहाँ फैन चालू हो जाएगा, देखिए फैन स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से इसको जो है बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, खुद से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।